इस बीच आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हत्या के बाद आरोपी ने चाकू फेंक दिया था। दिल्ली मर्डर केस में ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चाकू की ही तलाश थी और इसी को लेकर माना जा रहा था रिमांड बढ़ाई गई है। बाकी सबूत पुलिस के पास मौजूद थे, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर दिल्ली मर्डर केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे, जिस चाकू का इस्तेमाल किया था रठाला में बताया गया था कि आरोपी ने इसे फेंक दिया है, आप जरूर उसी की निशानदेही पर पुलिस ने वो चाकू बरामद कर लिया है। अब बहुत आसानी होगी पुलिस को अब इस आरोपी को सजा दिलवाने में, क्योंकि चाकू मिलना बहुत जरूरी था और बार बार ये आरोपी चाकू के नाम पर गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस पूछती थी कि चाकू कहां पर फेंका, तो वो कोई जानकारी नहीं देता था। लेकिन आपको यह बता दें कि अब कबूल कर लिया है कि रात में अंधेरे में इस चाकू को फेंक दिया था। ये इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे, दिल्ली मर्डर केस में यह बड़ी खबर है। जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया, जिस चाकू से उस नाबालिग को मौत के घाट उतारा गया, वो चाकू बरामद कर लिया गया है। दीपक विश्व ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, कहां से ये चाकू मिला? देखिए, अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि किस जगह से मिला है, क्योंकि जब ये पुलिस को पूछताछ में बताया था कि रिठाला इलाके में उसने वारदात की रात को अंधेरे में चाकू फेंका था और उसके बाद में बुलंदशहर की तरफ फरार हो गया था। अब पुलिस इस पूरे ट्रेल को चेक कर रही थी और इसी वजह से चाकू मिलने में काफी दिन लगे हैं पुलिस को। पुलिस का कहना है कि कुछ देर बाद ये बताया जाएगा कि किस लोकेशन से इस चाकू को बरामद किया गया है, क्योंकि पुलिस ने दो बार कस्टडी जो आरोपी की मांगी गई थी वो चाकू की बरामदगी को लेकर ही कोर्ट से मांगी गई थी। और साथ ही इस पूरे मामले में क्या चाकू बुलंदशहर लेकर फेंका गया था या दिल्ली में ही फेंका गया है, इस बारे में फिलहाल पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है कि चाकू जिस वारदात में जिसका इस्तेमाल किया गया था उसे पुलिस ने रिकवर कर लिया है और आगे की छानबीन के लिए पुलिस का कहना है कि अभी आगे कुछ चीजें और है जिनके बारे में तलाश की जा रही है। और सबसे जरूरी था दीपक कि चाकू मिलेगा तभी आरोपी को सजा दिलवाई जा सकेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली मर्डर केस में बड़ी खबर है, चाकू बरामद कर लिया गया है। बिल्कुल अलग होगा। इसके साथ ही ये सैटेलाइट आधुनिक तकनीक से भी लैस होगी, जो दुश्मन की मिसाइलों और हथियारों को आसानी से ट्रैक कर पाएगी। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद दक्षिण कोरिया और जापान अलर्ट मोड पर हैं। इधर अमेरिका की सख्ती का जवाब देते हुए चीन ने भी अमेरिकी कंपनी माइक्रोन की बनाई गई चिप पर बैन लगा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जल्द ही अमेरिका अपने यहां चीनी कंपनियों के निवेश पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन इससे पहले कि अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाता, चीन ने पहले ही उस पर वार कर दिया। चीन ने अपने यहाँ अमेरिकी कंपनी माइक्रोन की चिप पर प्रतिबंध लगा दिया। माइक्रोन मेमोरी चिप बनाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि अमेरिका ने भी दक्षिण कोरिया से कह दिया कि वो भी चीन को चिप की सप्लाई बंद कर दे, क्योंकि दक्षिण कोरिया की कुछ बड़ी कंपनियां चीन को माइक्रोन जैसी चिप की सप्लाई करती हैं। यानी अमेरिका ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ सकता है।